शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोमबत्ती जलाओ और पत्ता फेंको, मेरी बाजी होने वाली है। भगत, तुम्हारा ढोंग खत्म हो चुका। तूने पब्लिक और पुलिस को बहुत परेशान किया। उतारो ये नकाब। मैं कह रहा हूं, उतारो ये नकाब। तुम बगला भगत? समझा, चलो। मीटिंग के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बैठे बैठे बोर हो गए। सोचा गुरु सबको चक्कर देता है, आज गुरु को चक्कर में डाल दो। चक्कर हम वहां से चेले किसके हो? ये बात है। चलो मीटिंग शुरू कराए। सेठ के जितने गोदाम है अनाज से भरे हुए हैं, ये रहा उनका नक्शा। गुड। कृष्णमूर्ति आओ सर, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट एकदम तंडा है सर। क्या मतलब? ड्रामा एकदम फिट होने वाला था, लेकिन हमारा बैड लक, सेठ इंडिया को छोड़ के हमेशा के लिए सिंगापुर में शिफ्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम सेठ धर्मदास के शिफ्ट हो जाओ, वहां एक ड्राइवर की जगह खाली। सॉरी सर। गुरु मजा आ गया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। दुखी मत करो सुखी राम, आज की नहीं आने वाले कल की बात बताओ। गुरु कल रात डांडा में सेठ जी का लाखों रुपए का माल उतरने वाला है। वेरी गुड। तेरी बैठ। अरे राम राम साईं, हाथ नंबर आए। राम 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 राम। सॉरी साईं, हम थोड़ी लेट हो गए। क्यों? सेठ का बेटा उल्लू का पट्टा आखी आखी रात नहीं सोता, बड़ी मुश्किल से सेठ और सेठानी दारू मार के सोया। उधर वो चरिया रोया, हमने उसको थोड़ा सा अफीम घिस के चटाया, चटा के लिटाया, लिटा के सुलाया, फिर बड़ी हम इधर आया। हम तो मारी मारी
आया। सेठ का माल आया। बड़ी सेठ का छोटा भाई ढेरू माल हांगकांग से मोती ला रहा है नी। और सेठ का भतीजा रंजोड़ वो दुबई से हीरे ला रहा है। जैसे ही माल आया हम तुमको बताया, तुम बड़ी कर देना फटाफट सफाया। तुम चुप क्यों हो? क्या बताऊं मोनी भाई, मेरी बीवी ने चैंबूर में एक मकान देखा है, जब से पीछे ही पड़ गई, खरीद के दो। तुमने क्या जवाब दिया? बीवी का हुक्म कैसे टालूं मोनी भाई, अगर हो सके तो कुछ। खामोश, यहीं तुम लोग मार खा जाते हो। ये मत भूलो तुकाराम कि तुम सेठ ओम प्रकाश के माली हो, सिर्फ माली। मुंबई की पुलिस दुनिया की मानी हुई पुलिस है। जिसकी जेब में है सीएच से 10 रुपए भी ज्यादा हो, उसकी चाल बदल जाती है मुंबई पुलिस की आंख। चाल से हाल का पता चलता है और हाल से माल का पता चल जाता है, समझे? हां सर। कमाल है गुरु, ना खुद खाते हो ना किसी को खाने देते हो। यही तुम्हारी कामयाबी का राज है। सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब तुम लोग जा सकते हो, अगले इतवार इसी वक्त हम फिर यहाँ मिलेंगे। बाबा मुझे शक्ति दो कि तुम्हें दिया हुआ वचन निभा सकूं। बेटा मोनी, मैंने कई बार तुम्हें ऐसा कहते हुए सुना है, आखिर ये कैसा वचन है? ये बाबा कौन है? ये मेरी जिंदगी की दुख भरी और उलझी हुई कहानी है। हमारे बाप दादा की दी हुई जमीन आज इंकार करता है, खुद तो खुद और हरिया ऐसा जुल्म ना कीजिए मालिक, हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये शर्म का है। मर तो तुझे उसी दिन जाना चाहिए था जिस दिन तूने अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को अमीर बनने के लालच में एक अय्याश दौलतमंद की हवस का शिकार बना दिया। मालिक खामोश। और वो बेगैरत इस पापी गठरी को जन्म देकर गुना जाने कहां मर गई। जबान संभाल कर बात करो मालिक, अगर तुमने फिर से पापी गठरी कहा तो। याद रखो, तुम्हारे जुल्मों से तम से झोपड़े में सोई हुई गरीबी जाग उठी तो महलों में अमीरों की नींद हराम कर देगी। मैं गरीबी को जागने से पहले मौत की नींद सुला दूंगा। परछाइयों का नाम नहीं होता है मेरे लाल, उस धोखेबाज की यही एक निशानी है जो उस मकार ने धोखे की शादी में तेरी माँ को दी थी। इन अमीरों ने मेरे साथ तेरी माँ के साथ क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। मुझे वचन दो बेटा कि तुम इनसे बदला लोगे, किन किन कर बदला लोगे। इसी में तेरी माँ की आत्मा को और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। मुझे वचन दो मेरे लाल, वचन दो बेटा। मैं वचन देता हूँ बाबा, मैं वचन देता हूँ। बाबा, बाबा, बाबा। मम्मी भैया खाना खा रहे हो? मुझे भूख नहीं है। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं जानता हूँ बच्चे, अभी तक तुम्हारे जख्म ताजा है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि तू इस दुनिया में अकेला है। आज से तू मेरा बेटा है और अंजू तेरी बहन। भूल जा बीती बातों को। कैसे भूल जाऊं शंकर चाचा? इसके सहारे। ये वो साज है मेरे लाल जिसके सुरों में हर दुख की आवाज हमेशा के लिए डूब जाती है। ले सुन मेरे बेटे, सुन। और इस तरह मुझ बेसहारे को बाप और बहन का प्यार मिला, शंकर चाचा की शिक्षा मिली और मैं एक कलाकार बन गया। लेकिन बाबा को दिया हुआ वचन मेरे दिलो दिमाग में छाया रहा और फिर आप साथियों की मदद से मैं मोनी से बगला भगत बन गया। गरीबों पर जुल्म ढाने वाले अमीरों से बदला
और लाचार गरीबों की मदद मेरा धर्म बन गया।